हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जनता का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर इस हत्याकांड में शामिल भाजपा नेता के पुत्र पुलकित आर्य और उसके साथियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी क्रम में आज विकास नगर अंतर्गत सेलाकोई में भी विभिन्न संगठनों से जुड़े स्थानीय लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया है और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। एक पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी, जो बहुत ही गरीब परिवार से पढ़ाई छोड़ के नौकरी करने के लिए आई ऋषिकेश, और वहाँ पे बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के संपर्क में आई, उसने उसको अपने रिसेप्शन पे रिजॉर्ट पे नौकरी देने का काम किया। नौकरी तो दे दी, लेकिन उस लड़की को जो है मजबूर किया गया अपने ग्राहकों के साथ, कस्टमरों के साथ, के आप हमारे ग्राहकों को, कस्टमरों को लुभाने का काम करें, उनके साथ जो है गलत काम करें। जब उस लड़की ने मना कर दिया तो उस लड़की को जो है बीजेपी के नेता के बेटे ने अपने साथियों के साथ उस लड़की की बॉडी को जो है उस लड़की को नदी में फेंक दिया, और 5 दिन तक जो है उसकी बॉडी का पता नहीं चला। जब शासन पे जो है प्रेशर बना तो कल उसकी जो है डेड बॉडी निकाली गई। उसी बात को देखते हुए आज पूरा प्रदेश जो है आक्रोश में है कि उत्तराखंड राज्य शांत राज्य था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार देश के अंदर आई है, राज्य के अंदर आई है, तब से लेकर लगातार आप देख लें कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी हरकतें की जा रही हैं, उनका शोषण किया जा रहा है, महंगाई भ्रष्टाचार पे है, बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, और मंत्री जो सरकार के मंत्री हैं वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम कर रहे। अभी एक बहुत ही चर्चित विषय भी हुआ जिसमें हमने CBI की मांग की थी, जो कि SC ST घोटाला हुआ, उसमें बीजेपी के नेताओं ने अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को नौकरी देने का काम किया। ये बीजेपी सरकार का चरित्र है, और आज महिला परेशान है इस प्रदेश की। उत्तराखंड राज्य बना था तो लोगों के सपने थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा, यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के युवाओं ने अपने जो है प्राणों की आहुति देकर इस राज्य को जो है, इस राज्य के लिए अपनी जान देने का काम किया, ये सोच के कि हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगी, यहाँ की महिलाओं को, पढ़े लिखों को नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो मंत्री हैं अपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम करे, विधानसभा अध्यक्ष राय कुंजवाल जी, उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया। हम सब चीज़ों के लिए मांग करते हैं कि इनके सब में CBI जाँच होनी चाहिए, और पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके कातिलों को फांसी मिलनी चाहिए। जब तक उसके कातिलों को फांसी नहीं मिलेगी, हम लोग सड़कों पर आके प्रदर्शन करने का काम करेंगे।